नमस्कार, मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल्ड प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchughca.com पे विजिट कर सकते हैं, यानी कि amanchugca.com। ये ऑडियो कम वीडियो फेज 3 ऑफ बजट 2018 के ऊपर है एंड आई एम श्योर आपने फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ बजट 2018 जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है यूट्यूब पे, आपने वो सुन ली होगी। अगर आपने नहीं सुनी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको सुन लीजिए ताकि आपको इस वीडियो कम ऑडियो का भी कनेक्शन समझ आएगा फेज 1 और फेज 2 के साथ। ये फेज 3 की जो ऑडियो कम वीडियो है, ये आधार कार्ड एंड डिजिटाइजेशन जो हमारे हिंदुस्तान के 2 मेजर पिलर्स बन रहे हैं उसके ऊपर है। आइडली मुझे लगता है कि आधार कार्ड एंड डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा टूल है जो हमारी देश की इकोनॉमी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। हमारे देश में पास्ट में भी कई गवर्नमेंट्स ने कई बेनिफिशियल स्कीम्स एलोकेट करी थी जो कि फोकस थी लेट अस से रूरल इंडिया के ऊपर, पुअर के ऊपर, विमेन के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर या लेट अस से अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर। मगर वो जितनी भी स्कीम्स पास्ट में जो एलोकेट होती थी प्रीवियस गवर्नमेंट्स द्वारा, वो नॉर्मली वहां तक पहुंचती नहीं थी जिसके लिए वो एलोकेट होती थी। सो आइडली अगर देश में अगर हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है तो हमें ये सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपने देखा होगा कि बजट में नॉर्मली हमारा देश का जो बजट है उसमें खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होता है और हमारा देश चाहता है कि किसी तरीके से हमारा रेवेन्यू खर्चे से ज्यादा हो जाए। मगर रेवेन्यू को खर्चे से ज्यादा करने के लिए हम टैक्स का रेट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कुछ चंद लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। यानी कि मेन इसका सोल्यूशन ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट कैपेबल बनाना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली वो भी अर्न करें एंड देश को वो टैक्स दें ताकि देश भी अर्न करे, ताकि देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़े, जिसके लिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि विमेन है, रूरल इंडिया है, फार्मर्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, इन सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स बनाई जाती है। पास्ट में भी बनाई जाती थी एंड ह्यूज पैसा बजट के तौर पे एलोकेट किया जाता था, मगर समहाउ ये पैसा पहुंचता ही नहीं था राइट पर्सन के लिए, यानी कि रास्ते में कई तरह के जो मिडल मैन होते हैं वो अल्टीमेटली इस पैसे को खा जाते थे। एंड ऐसा एक्सेप्ट कई पास्ट के टॉप लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट किया है कि जितना पैसा एलोकेट होता था उसका शायद 1/10 पैसा अल्टीमेटली पहुंचता था, यानी कि 90% पैसा लोग रास्ते में जो मिडल मैन होते थे वो उसको खा जाते थे, या वो पैसा उस तक पहुंचता था जिस तक पहुंचना नहीं चाहिए था, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते थे उन तक नहीं पहुंचता था। आइडली इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है एंड अगर सिस्टम से पैसा बाहर हो जाए, यानी कि जो पैसा है वो कुछ चंद लोगों की जेबों में चले जाए, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी चल नहीं सकती, क्योंकि एक तरह से पैसे की चोरी हो गई है इकोनॉमी के सिस्टम से। इसके कारण क्या होगा कि अल्टीमेटली देश में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी थी एक तो वो हुई नहीं, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कुछ चंद मिडलमैन हैं जिनके पैसे अल्टीमेटली घर पे पहुंच गए और जिन्होंने आगे पैसे पहुंचाए नहीं, वो अल्टीमेटली अननेसेसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या महंगी से महंगी चीजों को डिमांड करेंगे, जिसके कारण डिफरेंट चीजों की महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि अगर किसी का एक्स्ट्रा पैसा आ जाए एंड वो पैसे को कहीं पर ठिकाना लगाना चाहेगा तो या तो वो रियल एस्टेट में लगाएगा या वो गोल्ड में लगाएगा, जिसके कारण रियल एस्टेट के प्राइसेस अननेसेसरी बढ़ने लग जाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे वगैरह वगैरह, या वो लग्जूरियस आइटम्स की डिमांड करेगा, यानी इसे बड़ी सी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करेगा, सो अल्टीमेटली लग्जूरियस आइटम्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मगर जो आम आदमी है जिसके लिए वो बजट एलोकेशन हुई थी वहां तक पैसा पहुंचा नहीं, तो अल्टीमेटली महंगाई जो कि उसकी तरफ से बढ़नी चाहिए थी ताकि वो डिमांड कर पाता, ऐसा हुआ नहीं। सिंस नॉर्मल आम आदमी ने डिमांड पैदा करी नहीं, उसके कारण प्रोडक्शन होगी नहीं, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं तो जीडीपी ग्रोथ हो नहीं सकती। इनफैक्ट हमने ये भी सुना होगा कि पास्ट में कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो अभी भी हैं, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन सिस्टम, जिसमें फोकस्ड लोगों को, गरीब लोगों को चावल दिया जाता है, चीनी दी जाती है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है हर आदमी को चावल ना खाना हो सकता है हर आदमी को चीनी ना खानी हो, तो हम फिर भी उसको चावल और चीनी ही दे रहे हैं।
रेदर बेटर ये होगा कि हम उसको एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट में लेकर आए ताकि अल्टीमेटली वो खुद की डिमांड खुद कर पाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर पाएंगे यानी कि एम्प्लॉयबल बन पाएंगे, इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, उसके कारण हमारा देश ओवरऑल डेवलप होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि सब्सिडीज किसी भी बजट में खराब चीज होती है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को, किसी इंसान को सब्सिडी देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो इंसान है वो कभी भी काम करने के लिए इच्छुक नहीं होगा, जिसका मतलब ये कि वो कभी भी काम नहीं करना चाहेगा, काम नहीं करना चाहेगा तो विलिंगली अनएम्प्लॉयड रहेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, एंड वो जिंदगी भर सब्सिडीज के लिए ताक लगा के बैठा रहेगा। हालांकि सब्सिडीज बुरी बात है, मगर पॉइंट यहां पे ये भी है कि हालांकि प्रीवियस बजट्स में सब्सिडीज दी जाती थी मगर वो सब्सिडीज पहुंचती नहीं थी, ये तो और भी खतरनाक चीज है, यानी पैसा एलोकेट भी किया और पैसा पहुंचा नहीं। इस बजट में भी कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि गैस कनेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन सस्ती हो जाए या कंप्लीमेंट्री हो जाए, या कैटेगरी सी एंड डी जॉब्स, जो कि नॉर्मली इस गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि राइट पर्सन तक पहुंचे। मगर मेरे को जो डिफरेंस दिखा है इस गवर्नमेंट के इंक्लूसिव ग्रोथ की स्टोरी में, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस आधार कार्ड एंड डिजिटल इंडिया को, क्योंकि आधार कार्ड से आप राइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिस तक वो बेनिफिट पहुंचाना है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड डिजिटाइजेशन से उस राइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक आप उस बेनिफिट को जल्दी यानी कि क्विकली, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं, यानी मिडलमैन को साइड पर रख के वो पैसा या वो जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली राइट सेक्शन को पहुंच सकता है, यानी आधार कार्ड से आप राइट सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिजिटाइजेशन से आप क्विकली, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली उस टारगेट सेगमेंट तक वो बेनिफिट पहुंचाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ऐसा भी बातचीत करते हैं कि क्या हमारे देश में कभी फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं होगी जैसे यूएस में होती है, क्यों नहीं? पॉइंट है, अगर हमारे देश का बजट बड़ा बन जाए यानी हमारा रेवेन्यू अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग जाए, जो कि पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारे देश की सारी जनसंख्या इंडिपेंडेंट बन जाए एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियली इंक्लूसिव बन जाए, एंड हमारा देश जब पूरा डेवलप हो रहा हो तो उस डेवलपमेंट में जब सारे सेक्शंस जो अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे अगर वो सेक्शंस कंट्रीब्यूट करने लग जाएं, जैसे रूरल इंडिया है, फार्मर्स हैं, विमेन है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर ये लोग भी कंट्रीब्यूट करने लग जाएं तो अगर रेवेन्यू हमारे देश का बढ़े तो क्यों नहीं ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाए जैसे यूएस में होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आधार कार्ड और डिजिटाइजेशन अल्टीमेटली ये सारे बेनिफिशियल स्कीम्स को बहुत फोकस वे में लेकर आएगा, एंड शायद आने वाले समय में हर फील्ड से मिडलमैन, ब्रोकर्स, एजेंट्स सब गायब हो जाएंगे, यानी कि जिसका भी उस चेन में वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो शायद उनको गायब कर दिया जाएगा यानी खत्म कर दिया जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा कि हम हर देश चाहता है कि जीडीपी बढ़े, मगर जीडीपी बढ़ने के लिए डिमांड बढ़नी बहुत जरूरी है, एंड अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई पक्का बढ़ेगी। इसका मतलब ये जहां जहां जीडीपी बढ़ती है वहां वहां महंगाई भी बढ़ती है, एंड नॉर्मली हर देश चाहता है कि महंगाई की बढ़ोतरी जीडीपी की बढ़ोतरी से कम हो, यानी कि रियल जीडीपी बढ़े, और अगर जहां पे भी खतरा लगता है कि रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं एंड जिसके कारण अलग प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इसका मतलब ये हर देश इंक्लूडिंग इंडिया ये चाहेगा कि हर स्टेज से मिडलमैन हट जाएं ताकि मिडलमैन जो अननेसेसरी इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं वो इन्फ्लेशन ना पैदा हो पाए, यानी कि अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बेनिफिट पहुंचने के बीच में दो लोग और हों तो बेनिफिट पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा, मगर अगर वो मिडलमैन हट जाए तो बेनिफिट इकोनॉमिकली पहुंच जाएगा, एफिशिएंटली पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि किसी भी चेन में मिडलमैन तभी हो अगर वो कुछ यूनिक वैल्यू एडिशन कर रहा हो, अगर वो यूनिक वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा तो शायद उस मिडलमैन या ब्रोकर या एजेंट को ये गवर्नमेंट शायद टिकने नहीं देगी। इनफैक्ट आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक जमाना होता था जब स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस होता था, कई स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकरशिप लेते थे एंड ब्रोकरेज पे अपना घर चलाते थे, मगर आज के दिन में कई स्टॉक ब्रोकर्स क्या आपको किसी के सामने भी बोर्ड नहीं दिखता, सारे स्टॉक ब्रोकर सब गायब हो गए हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखें, पहले एक जमाने में अप फ्रंट कमीशन मिलती थी म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स को, 3-5% भी मिलती थी, आज के दिन में अप फ्रंट कमीशन मेजर स्कीम्स में मिलती नहीं है, एंड ट्रेल कमीशन भी 1/3 या 1/2 हो गई है,
इनफैक्ट अब तो आपने सुना होगा कि अब तो म्यूचुअल फंड कंपनीज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो ब्रोकर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको कह रही है कि आप आधार कार्ड लिंक करके आप ऑनलाइन आ जाइए। यानी कि हर पर्सन आधार कार्ड लिंक कर रहा है और आधार कार्ड लिंकेज से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जितने ब्रोकर्स या एजेंट्स हैं उनकी दुकान पे चैलेंज आ रहा है। लोन मार्केट, जिसमें आपने देखा होगा जब बैंक्स को लोन बैंक्स के बिहाफ पे जब लोन दिलवाने के लिए कई डीएसएस होते थे, वो डीएसएस भी आज की डेट में गायब हो गए हैं। कई ट्रैवल एजेंट्स, आपको याद होगा कि अल्टीमेटली ट्रैवल एजेंट्स का बिजनेस बहुत मस्त चलता था, मगर आज के डेट में कई ऑनलाइन एप्स आ गई हैं और ट्रैवल एजेंट्स का भी बिजनेस ठप हो गया है। यानी कि आधार कार्ड और डिजिटाइजेशन से हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री के जितने भी ब्रोकर्स या एजेंट्स हैं उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ऑनलाइन लाया जाएगा। एंड ऑनलाइन लाने के कारण अल्टीमेटली मैसिवली मिडलमैन ब्रोकर्स एंड एजेंट्स को गायब कर दिया जाएगा, जिसके कारण ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, इकोनॉमिकल हो जाएंगी, एफिशिएंट हो जाएंगी। इनफैक्ट इंडिया इस टाइम पे डिजिटाइजेशन में, यानी कि यूजेज ऑफ इंटरनेट में, सेकेंड नंबर पे आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर चाइना। 46 करोड़ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस टाइम पे इंटरनेट यूज कर रही है, यानी कि ह्यूज ह्यूज डाटाबेस पैदा हो रहा है और मैसिवली लोग इंटरनेट पे हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप शॉपिंग देख लीजिए, चाहे आप बिजनेस देख लीजिए, चाहे आप कंसल्टेंसी देख लीजिए, यानी हर चीज ऑनलाइन आ रही है। जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर आप मिडलमैन है बाय चांस, या एजेंट हैं, या ब्रोकर हैं, या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें कोई आपकी वैल्यूएशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको यूनिक ज्ञान एंड ज्ञान के साथ साथ पहुंचाने के लिए विज्ञान, और पहुंचाना जिसको है उसके साथ यूनिक जान पहचान, ये तीन चीजें बहुत जरूरी चुनेंगी। यानी कि यूनिक ज्ञान जो किसी और के पास ना हो, एंड उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए आपके पास एक ऐसी हसीन जान पहचान हो, एंड वो जान पहचान जिस तक पहुंचानी है उसको पहुंचाने के लिए एफिशिएंट तरीका हो, जिसको हम विज्ञान बोलता हूं। यानी कि अगेन आपको भी डिजिटाइजेशन को अपने साथ गले लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारे पास यूनिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड साथ में यूनिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज हो मगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो तो लोग फेथ नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास पूरे सिस्टम को, हेल्थ का सिस्टम समझने के लिए पूरी नॉलेज है मगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो कोई भी आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा। आपको पूरी गाड़ी खोलनी आती है मगर आपके पास गाड़ी खोलने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, आपके ऊपर कोई फेथ नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, तभी लोग विश्वास करेंगे। एंड अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मगर नॉलेज नहीं है तो लोग कहेंगे शायद जुगाड़ से पास हो गया। यानी कि आपके पास यूनिक टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए एंड यूनिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ताकि आप अपने ज्ञान के साथ, विज्ञान के थ्रू, जान पहचान के साथ धंधा कर पाए, बिजनेस कर पाए। एंड इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आधार कार्ड एंड डिजिटाइजेशन शैल चेंज द डायनामिक्स ऑफ इंडिया। यानी कि इसको मैं यूं बोलना चाहता हूं, डायनामिक्स यानी कि डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पूरा चेंज हो जाएगा हिंदुस्तान का। एंड फर्दर बजट के ऊपर बोलने के लिए मैं फर्दर वीडियो कम ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपको लगता है कि फर्दर ये वीडियो ऑडियो और भी कई लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्दर इस ऑडियो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में, अपने बच्चों को ये फ्लोट कीजिए, ताकि वो भी इस चीज को सुन पाए, ताकि उनको ही पता लगे कि देश कहाँ पे जा रहा है। एंड अल्टीमेटली बजट में और भी कई चीजें जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज कम ऑडियोज भी पहुंच पाए। तो मैं नमस्कार करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप काइंडली www.amanchugca.com पे मेरा प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं एंड YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबा के आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। नमस्कार।